ओम श्री साई राम। सद्गुरु श्री साई नाथ महाराज के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी भक्तों को मेरा सप्रेम आदर पूर्वक नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं श्री साई सच्चरित्र अध्याय 7। अध्याय 7 में आज हम श्रवण करेंगे अद्भुत अवतार श्री साई बाबा की प्रकृति, उनकी यौगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापड़े के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साई बाबा समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वो पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं जिनमें धौती, 1 3 इंच चौड़े व 22.5 इंच लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, 2 खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्वत जोड़ना और समाधि आदि में भी सम्मिलित हैं। यदि कहा जाए कि वे हिंदू तो आकृति से यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी निश्चय नहीं कर पाता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदन उत्सव भी। वे उत्सव में कुश्ती को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में तजिए मनाने तथा कुछ दिन वहां रहकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा। श्री साई बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहां रहने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहां से हटवा दिया। यदि कहे कि वो यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति के अनुसार छिदे थे और यदि हम कहें कि वे हिंदू थे तो सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहेब चांदोरकर जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था उन्होंने बताया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साई लीला पत्रिका श्री वी देव द्वारा लिखित बाबा यवन की हिंदू पृष्ठ 562 देखो। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वह सदा मस्जिद में निवास करते थे और यदि यवन कहे तो वे सदा ध्वनि प्रज्वलित करते थे तथा अन्य कर्म जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं जैसे चक्की पीसना, शंख घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अर्ध्य द्वारा पूजन आदि सदैव वहां चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मित हो गया और वे दर्शन मात्र से मोहित हो गए। अस्तु इसका निर्णय कोई नहीं कर सका कि यथार्थ में बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य ही क्या है जो हम व इंद्रिय जन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी प्रकार में श्री साई बाबा उसी कोटि में थे। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं करते थे। फकीरों के साथ वे अमिश और मछली का सेवन भी करते थे। कुत्ते भी उनकी भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे परंतु उन्हें कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साई बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों में समीप बैठने और सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ
उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे, उनकी महानता अद्वितीयता का बयान कौन कर सकता था। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी साधक और मुमुक्षु जन भी श्री साई बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके ओठों पर रहता था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते, सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक ना जान सका कि बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों के लिए एक समान थे। वे कुछ लोगों के गुह व्यापार को पूर्णतया जानते थे और जब वे रहस्य प्रकट किया करते थे तो सब विस्मित हो जाया करते थे। स्वयं ज्ञानावतार होकर वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें सादर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इसी प्रकार का श्री साई बाबा का वैशिष्ट्य था। थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें परब्रह्म ही मानते थे। बाबा की प्रकृति, मैं मूर्ख हूँ, श्री साई बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्रायः समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया तथा श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि गणपति शंकर पार्वती ग्राम्य देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उनमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये, किसी को 50 रुपये इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छता पूर्वक वितरण कर देते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ होता था। उनको निष्कपट और स्वस्थ बन गए, दुष्ट आत्मा पुण्य आत्मा में परिणित हो गए, अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। पंगुओं को पंगुता नष्ट हो गई, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धुनी के पास आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते, कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन हो जाते। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और तन ढाकने के लिए एक कफनी धारण करते थे। प्रारंभ से उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी। अपने जीवन काल में पूर्वार्ध में वे गांवों में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी दिया करते थे। उनके हाथ भी अपरिमित यश था। इसी कारण वे अल्पकाल में योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उनमें सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरी के छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ थे, तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा डॉक्टर प्रायः लेप मरहम अंचन गाय का दूध तथा कर्पूर युक्त औषधि में प्रयोग लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वदा ही भिन्न थी। उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्र में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए, सूजन कम हो गई और नेत्र प्रायः निरोग हो गए। नेत्र शरीर का अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, बल्कि नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ दी गई है। अब हम आगे श्रवण करेंगे बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा की समस्त यौगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी।
उनमें से केवल दो ही का उल्लेख यहाँ किया जाता है। धौती क्रियाएं मतलब आते स्वच्छ करने की क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया, समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि के लिए सभी लोग अभी भी जीवित हैं जो इस घटना की पुष्टि कर सकते हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण भौतिक क्रिया एक तीन चौड़े व 22.5 इंच लंबे गीले कपड़े से टुकड़े से की जाती है। यह कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा उसके लगभग आधा घंटे तक रखा जाता है ताकि उसका पूरा प्रभाव हो। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल देते हैं। पर बाबा की यह धौती क्रिया सर्वदा विचित्र और असाधारण ही रही है। दूसरा खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। पहले उनकी इच्छा हुई कि वे ग्राम अधिकारी को यह सूचना दें कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला पहले ही पकड़ा जाता, यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वह मस्जिद आए तो बाबा को पूर्णतः हष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। ऐसा लग रहा था कि पिछले दिन जो भी उन्होंने दृश्य देखा कहीं वो स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही लौकिक क्रियाएं करते थे और उन्होंने जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उन्हें उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टर मसीहों के मसीहा ने कभी अपने स्वास्थ्य की चिंता ना कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी एक घटना नीचे दी है जो उनकी सर्वव्यापकता और महान दयालुता की द्योतक है। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धूनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के लिए अपने हाथ ही उन्होंने डाल दिए। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव और माधवराव पांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक खींच लिया। माधवराव ने कहा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लुहारिन जब भट्टी धोंक रही थी उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर पर बैठे हुए शिशु का ध्यान छोड़कर वह शीघ्रता से दौड़ गई। अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर गया। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देश पांडे द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ लेप लिंट मरहम तथा पट्टियां आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले हुए हाथ की दवाई लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना बाबा ने अस्वीकृत कर दी।
हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोग पीड़ित भक्त भागोजी शिंदे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था कि प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उनके हाथ पर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुनः पूर्वक कसकर बांध देना, घाव शीघ्र भर जाए। इसके लिए नाना साहेब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बार बार अनुरोध किया। डॉक्टर परमानंद ने भी अनेकों बार प्रार्थना की, परंतु बाबा यह कहते हुए टाल दिए कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयां शिरडी के वायुमंडल में ना खुल सकी और ना ही उनका उपयोग हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था कि जो उन्हें बाबा के दर्शन का लाभ हुआ। भागोजी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब गांव भर गया तब सभी वक्त सुखी हो गए, परंतु प्रतिदिन कालघृत से हाथ की मालिश और कसकर पट्टी बांधना श्री साई बाबा की समाधि पर्यंत क्रम तक चलता रहा। श्री साई बाबा सदृश पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागोजी की यह सेवा अर्थात उपासना निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ हो जाते। प्रतिदिन प्रातःकाल जब परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागोजी की यह सेवा अर्थात उपासना निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते तब भागोजी छाता लेकर उनके साथ जाते। प्रतिदिन प्रातःकाल जब धूनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहां पहले से उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थीं और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था जिससे दुर्गंध आती थी। यद्यपि बाहदृष्टि से दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ हुआ। बालक खापड़े का प्लेग। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापड़े अमरावती के दादा साहेब खापड़े की धर्मपत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था, पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी गांठ भी निकल आई। श्रीमती खापड़े भयभीत होकर घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगे। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए बाड़े, जो अब समाधि मंदिर कहा जाता है, के पास जा रहे थे, तब उनसे लौटने की अनुमति मांगी और कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा पुत्र प्लेग रोग से ग्रसित है, अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उसका समाधान बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्व व्रत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते ही उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडे के बराबर चार गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को यह विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम की तरह नरम और मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें निजी संबंधी समझते हैं। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले ही जान लेते हैं, इसका वर्णन मैं इस अध्याय समाप्त करूंगा। नाना साहब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदेश में नंदूबार के मामलतार थे। उनका पंढरपुर को तबादला हो गया और श्री साई की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई, क्योंकि पंढरपुर जो
भूवैकुंठ पृथ्वी का स्वर्ग सदृश समझा जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहेब को शीघ्र कार्यभार संभालना था, इसीलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना शीघ्रता शिरडी को रवाना हो गए। अब वे अपने पंढरपुर शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहेब के आगमन की किसी को भी सूचना नहीं थी, परंतु बाबा तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहेब नीम गांव पहुंचे, जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर है, बाबा महाल सापति अप्पा शिंदे और काशी राम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही पूछा, चलो चारों मिलकर भजन करें, पंढरपुर के द्वार खुले हैं, यह भजन प्रेम पूर्वक गाएं। पंढरपुर राम पंढरपुरला जायचे जायचे तिथेच मंजला रहायाचे तिथेच मंजला रहायाचे घर ते माझ्या रायाचे। सब मिलकर गाने लगे भावार्थ, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है क्योंकि वहाँ मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते। कुछ समय नाना साहेब ने वहाँ सकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने तथा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहेब को बताया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले ही से थे। जब सुनकर नाना साहेब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत हैं। अन्य विषय जैसे मानव का जन्म का महत्व, बाबा की भिक्षा वृत्ति पर निर्वाह, बायजा बाई की सेवाएं तथा अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मैं विश्राम के लिए प्रस्थान करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद इसका श्रवण करने के लिए, और श्री साईनाथ अर्पणम अस्तु, शुभम।